हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको चिकन का देसी सालन बनाने की रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये चंद एक अशिया ली हैं जिसमें हैंडफुल ऑफ गार्लिक है जो कि छिला हुआ है, फ्रेश कोरिएंडर है, 1.5 इंच की जिंजर है, 2 मीडियम साइज के अनियंस हैं, 3 to 4 ग्रीन चिलीज हैं और 1 मीडियम साइज का टोमेटो है। समझें कि गार्लिक हमने एक साबित लिया होगा। इसके बाद हमने 1 टीस्पून फुल जो है सॉल्ट का लिया है, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 3/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि सफेद जीरा और 1/2 टीस्पून ही हमने पिसे हुए गरम मसाले का लिया है जो कि प्योर गरम मसाला है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। सबसे पहले हमने अनियंस जो हैं वो बहुत थिनली स्लाइस करने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक जिस तरह पर कि आपको दिखाई देता है। अगर मोटे कटे हुए होंगे तो गलेंगे नहीं। इनको हमने एक पॉट में डाल लिया है और उसमें हमने 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है जिसमें कि हमने इनको गुलाबी कर लेना है। टोमेटो को भी हमने थिनली स्लाइस कर लेना है और इसी तरह पर फ्रेश कोरिएंडर जो है उसको भी हमने बारीक बारीक काट लेना है। अनियंस जो हैं वो गुलाबी होने के लिए हमने रख दिए हैं और साथ ही हमने जिंजर और गार्लिक जो है उसको हाथ से पीस लेना है। इसको ग्राइंडर में ना ग्राइंड करें, उसका टेस्ट बदल जाता है। प्याज हमारे देखें कैसी खूबसूरती से गुलाबी हुए हैं और अब हमने इसमें टोमेटोज डाल दिए हैं। इनको हमने थोड़ा सा गला लेना है प्याजों के साथ फौरन ही, चूँकि ये बारीक बारीक कटे हुए हैं तो घुल जाएंगे। और जैसे ही आप देखेंगे ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं तो उसमें हमने जो सारे मसाला जात थे वो ऐड कर देने हैं। मसाला जात आपने देखा होगा कि हम एकदम से सीधे तेल में नहीं डाल दिया करते, हमें लगता है कि वो ऑयल से जल जाते हैं। तो इसी तरह पर हमने टोमेटोज पहले डाले ताकि उनके जूसेस जो हैं थोड़े बहुत वो अनियंस में शामिल हो जाएं और पानी उस वक्त पॉट में मौजूद हो जिस वक्त हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो इसका हमने भून कर एक मसाला सा तैयार कर लेना है। पुराने वक्तों में सारी सब्जियां और सारी ये जो गोश्त वगैरह की डिशेस तैयार की जाती थी उसका बेस यही इसी तरह ही तैयार किया जाता था प्याज के साथ, जैसा कि हमने किया है। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दी है। चिकन जो है वो करीबन 1/4 kg होगी। इसको हमने ढक देना है धीमी आँच पर यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो निकल आए। अब इसको गाहे गाहे खोलकर देखते रहना है, काफ़ी पानी जो है चिकन अपना खुद ही रिलीज कर देगी। इसमें हमने पानी नहीं डाला है। हमेशा चिकन को शुरू में ही ढककर पकाएं, बाद में आप उसको खोलें। अगर आप शुरू में ही उसको ढक लेंगे तो वो अंदर तक पक जाएगी और उसमें से फिर वो खून सा नहीं रिसेगा। और जब आप देखें कि चिकन जो है वो गलने सी लगी है तो उस वक्त आपने पॉट जो है वो बिल्कुल खोल देनी है, बिल्कुल नहीं ढकनी। और उस वक्त आपने इसका पानी जो है वो तेज़ी से खुश्क करना है और हीट जो है वो हाई कर देनी है। जब पानी निकल आए चिकन का तो उसकी आंच जो है वो तेज़ कर दें। अब हमने इसको भून लेना है, बिल्कुल नीचे लगने सी लगेगी। उस वक्त हमने इसमें 1/2 कप जो है वो वाटर डालना है। 1/2 कप जो है वो इसमें एक उबाला दिलाने के लिए बहुत होता है, रोटी के साथ बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। अब हमने इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें जो हैं वो डाल देनी है। पुराने वक्तों में सालन जो थे वो आम तौर पर घरों में यूं ही तैयार किए जाते थे। हाँ ये ज़रूर है कि जब धनिया मिर्चें अदरक लहसुन होता था तो डाल लेते थे, नहीं होता था तो उसके बगैर ही बना लेते थे। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।